बिग बी ने केबीसी के मंच पर खोले स्कूल के दिनों के राज, बताया किस टीचर पर था क्रश। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। केबीसी सीजन 14 आते ही टीवी पर छा गया है और शो को लेकर गजब की फैन फॉलोइंग देखने को मिल रही है। शो में होस्ट अमिताभ बच्चन का अनोखा अंदाज और कंटेस्टेंट के साथ उनकी जुगलबंदी दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है। कौन बनेगा करोड़पति 14 का हर दिन बेहद ही खास और दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक शो से कई कंटेस्टेंट लाखों की रकम जीत कर जा चुके हैं। इसी क्रम में सोमवार का एपिसोड भी बेहद खास रहा है। सोमवार को खेल की शुरुआत रोल ओवर कंटेस्टेंट पूजा बोबड़े के साथ हुई। इस दौरान दोनों ने खेल के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खूब बात की। पूजा ने बताया कि खेल के दौरान वो शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर काफी डरा हुआ महसूस कर रही थी। तभी बिग बी ने उन्हें नॉर्मल फील कराने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद पूजा ने केबीसी 14 से सिर्फ 10,000 रुपए ही जीत कर जा सकी। जमकर मिलती थी स्कूल में पनिशमेंट। खेल के दौरान महानायक और कंटेस्टेंट पूजा के बीच ढेर सारी बातें हुई। इस दौरान सवाल बिग बी ने ही नहीं बल्कि पूजा ने भी उनसे सवाल पूछे। पूजा ने बिग बी से पूछा कि स्कूल के दिनों में उनकी फेवरेट टीचर कौन थी। इस सवाल को सुनते ही उन्होंने कहा, स्कूल में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पनिशमेंट मिलना तो मेरे लिए एक आम बात थी। मुझे अक्सर ही क्लास से बाहर निकल जाने को कहा जाता था। अमिताभ ने आगे कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि वो स्कूल में फेवरेट बच्चे रहे होंगे तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ज्यादातर वो क्लास के बाहर ही रहा करते थे। यही कारण है कि उनका कोई फेवरेट टीचर नहीं थी। इस टीचर पर था बिग बी को क्रश। इसी बीच पूजा ने बिग बी से पूछा कि स्कूल के दिनों में क्या किसी टीचर पर उनका क्रश था। इस पर बिग बी ने बेहद ही फनी एक्सप्रेशंस दिए। उन्होंने पूजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्कूल में पूरे टाइम तो मुझे पनिशमेंट भी मिलती रहती थी, ऐसे में कोई मेरी फेवरेट टीचर कैसे हो सकती थी, मैं किसी टीचर पर कैसे फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे करता। वहीं अगर ऐसा होगा भी तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि पूजा ने मजेदार बातें की, लेकिन वो खेल से सिर्फ 10,000 रुपए की धनराशि ही लेकर घर जा सकी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे 24।